राजस्थान में चुनाव अभी 4.5 महीने बाद होने वाले हैं, पर चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जांच करने और उन्हें ठीक ठाक करने के लिए बैंगलोर से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियरों को बुलाया है। एक अधिकारी ने बताया कि चुनाव के समय सभी मशीनें ठीक से काम करें, इसलिए मशीनों की जांच करके उनकी दुरुस्ती का काम किया जा रहा है। 7 विधानसभा बीकानेर जिले में हैं और जितने जो हमारे पोलिंग बूथ्स भाग संख्या है उसके अनुसार कंट्रोल यूनिट और बुलेट यूनिट उपलब्ध है और उनकी चेकिंग का काम चल रहा है। चुनाव भंडार से सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को बाहर निकाल लिया गया है। बैंगलोर से आए इंजीनियरों का कहना है कि वे एक एक करके सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जांच कर रहे हैं। यहां कुल 400 बॉक्स में मशीनें हैं। वे 100 बॉक्स की मशीनें तो ठीक कर चुके हैं, 300 बॉक्स और बाकी हैं। खराब मशीनों को ठीक किया जाएगा ताकि चुनाव के समय कोई गड़बड़ी ना हो। इलेक्शन वोटिंग मशीन का काम करने के लिए आया है। जब फिर से पक्का मशीन है, पब्लिक आराम से वोट डाल सकता है। राजस्थान में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए प्रमुख राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ने तो कब से ही सियासत तेज कर दी है। अब चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। श्री गोपाल व्यास के साथ नेहा कटोच, बीकानेर, जानो दुनिया।